Hello, dear students. I am Dr. Akhilesh. I am Assistant Professor and Program Coordinator in Department of Tourism, Uttarakhand Open University. In our today's video, we will understand about the meaning of recreation, meaning of leisure, and basic relationship between recreation and leisure. First of all, let us discuss about the meaning of recreation. Recreation, wo koi bhi एक्टिविटी है जिसको करने के बाद जो हमारी टायर्ड बॉडी और माइंड है उन्हें रेस्ट, पीस और रिलैक्सेशन मिलता है. हर एज कैटेगरी के हिसाब से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ अलग अलग रहती हैं. एक चाइल्ड जो है वो साइकिलिंग, वीडियो गेम या फिर कार्टून्स को वॉच करके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करता है. एक जो यंगस्टर हैं वो जिम जाके, रेस्टोरेंट जाके, दोस्तों से बात करके या फिर व्हाट्सएप, फेसबुक ऐप्स यूज करके जो है कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को करते हैं. अगर हम सीनियर सिटीजन्स की बात करें तो वो जॉगिंग करके, आपस में इकट्ठे होकर समूह में बातचीत करके रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं. तो इसके साथ साथ कोई व्यक्ति किसी डेस्टिनेशन पे ट्रैवल करके रिक्रिएशनल एक्टिविटी करता है, कोई टेलीविज़न पे कोई मूवी या सीरियल देख के, कोई थिएटर में मूवी देखना पसंद करता है, किसी को, महिला को कुकिंग करना जो है कि पसंद आ सकता है. तो हर एज कैटेगरी और जेंडर के हिसाब से जो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ रहती हैं वो अलग अलग रहती हैं. कोई भी रिक्रिएशनल एक्टिविटी करने के लिए हमारे पास लेजर टाइम होना बहुत ज़रूरी है. अगर लेजर टाइम हमारे पास उपलब्ध नहीं है तो हम किसी भी तरह की रिक्रिएशनल एक्टिविटी को कंडक्ट नहीं कर पाएंगे. रिक्रिएशनल एक्टिविटी हमारे डेली जो हमारा लाइफ है, जैसे कि हम देख रहे हैं अर्बनाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन जो है कि बढ़ता जा रहा है, तो इसलिए रिक्रिएशनल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है. अगर कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी कोई पर्सन नहीं करता है तो वो जो है कि अवसाद में जा सकता है, वो उसे तरह तरह की मानसिक बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है. तो इसलिए रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हमारे डेली रूटीन के लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी हैं. नाउ वी विल अंडरस्टैंड अबाउट द मीनिंग ऑफ लेजर. लेजर एक्चुअली में समय है, और लेजर टाइम वो टाइम होता है जो कि हमें अपने जो डेली रूटीन के काम हैं उसको करने के बाद हमें मिलते हैं. लेजर टाइम हर व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ रहता है, और ये उस व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने लेजर टाइम में क्या करना पसंद करता है. एक्चुअली लेजर टाइम में हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करते हैं. रिक्रिएशनल एक्टिविटी जैसा मैंने पहले ही बताया कि वॉचिंग टेलीविज़न, ड्राइविंग, ट्रैवलिंग टू अ डेस्टिनेशन आर इंक्लूडेड इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़. तो लेजर टाइम में जो है कोई भी व्यक्ति रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ करना पसंद करता है. Now we will understand about the basic relationship between recreation activities and leisure time. जो recreational activities हैं, जैसा मैंने पहले ही बताया कि इसके लिए हमारे पास leisure time होना चाहिए. अगर leisure time हमारे पास नहीं है तो हम recreational activities को नहीं कर सकते हैं. हम अपने daily का जो हमारे पास समय है, जो कि हम अपने daily routine का work करते हैं, उसमें हम recreational activities नहीं कर सकते हैं. तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को करने के लिए लेजर टाइम का होना बहुत ज़रूरी है. इसी तरह से लेजर टाइम जो हमारे पास है, जो हमें डेली रूटीन के वर्क करने के बाद हमें मिला है, उस समय को व्यतीत करने के लिए हमारे पास कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी होनी चाहिए. हर व्यक्ति अपने लेजर समय के हिसाब से रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ को करता है. एक जो टूरिस्ट किसी डेस्टिनेशन पे जाता है उसके पास रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ भी होती हैं करने के लिए, और लेजर टाइम भी होता है. फॉर एग्जांपल, अगर कोई टूरिस्ट ऋषिकेश जाता है तो उसका जो समय है वो है लेजर टाइम, और जो वो एक्टिविटीज़ वहाँ पे करेगा, जैसे कि वाइट वाटर राफ्टिंग या फिर योगा या फिर रिलीजियस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होगा, तो वो सब की सब रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ के पार्ट हैं. So dear students, in this video we understood about the meaning of recreation, meaning of leisure, and important relationship between recreation and leisure. In our next video we will understand about the meaning of any other topic. Thank you so much.